फ्रेंड्स मार्च नवंबर मार्च मंथ आ गया तो लेट्स चेक कि हमारी वीकली जो एनर्जीज होती हैं वो क्या है रिगार्डिंग लव लाइफ एंड रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ. हम शुरू करते हैं एरीज से अपनी रीडिंग. तो आइए शुरू करते हैं एरीज, देखते हैं एरीज के लिए क्या एनर्जीज आई हैं हमारे टैरो में. सो एरीज, एरीज मेरे पास आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो आए हैं पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमें ये बता रहा है कि चाहे तो या तो आपकी लव लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको दोनों में ही बैलेंस करके रखना है प्रोफेशनल लाइफ में एंड लव लाइफ में. एंड आपको अपनी चीज़ों के लिए फाइट करनी है. यदि आप कोई जॉब चाहते हैं, यदि आप बिज़नेस में अच्छा करना चाहते हैं, या यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आगे कुछ प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करनी होगी और एक मैच्योरिटी लेवल के साथ सोचते हुए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना होगा. तो एरीज और आपके पास हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक थोड़ा सा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी शो करता है. कुछ मैच्योरिटी के साथ सोच भी रहे हैं आप, तो ये कुछ अच्छी एनर्जीज़ हैं. बस आपको प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है, पेज ऑफ सोर्स हमें ये बता रहा है, और चीज़ों के लिए फाइट करने की ज़रूरत है इस वीक में. तो आइए हम एंजल नंबर भी देखते हैं आपका क्या एंजल नंबर आया है. एंजल नंबर मेरे पास आप लोगों के लिए 444 आया था, तो मैं आपके लिए रीड करती हूँ इसे. योर ड्रीम्स एंड आइडियाज़ and visions are being manifest into reality. You are building the foundation for your dreams. तो इस वक्त आप जो हैं अपने dreams का foundation रख रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही positiveness के साथ आगे बढ़िए और जो सफलता है वो ज़रूर आपको मिलेगी. तो आइए friends अब हम देखते हैं कि Taurus में क्या आया है. हमारी जो दूसरी राशि है वो है टॉरस. टॉरस के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं. देखिए टॉरस के लिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है और द और एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है. तो एम्प्रेस का जो कार्ड हमें है वो हमें ये बता रहा है कि द एम्प्रेस का हमें कार्ड ये बता रहा है कि यदि आप किसी जॉब में हैं तो आपको फुल ऑफ अबंडेंस मिलने वाला है. आप जस्ट क्वीन की तरह आप खुश रहेंगी और खुश रहेंगे, वाइस वर्सा होगा, खुश रहेंगे, फुल ऑफ अबंडेंस है और एक सेटिस्फैक्शन है. थोड़ा जॉब हो, बिजनेस हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, तो ये अच्छी एनर्जी निकल के आई है टॉरस वालों के लिए. तो एस ऑफ सोर्स हमें क्या बता रहा है कि आप अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट कीजिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और उसमें जो यूनिवर्स होगा वो आपका सपोर्ट करेंगे. तो आइए देखते हैं कि टॉरस आपके लिए क्या. मेरे पास एंजल नंबर आया है 555. यू हैव बीन होल्डिंग ऑन टू योर रूटीन बट इट इज़ अ टाइम फॉर सम एडवेंचर, सोशलाइजिंग एंड टेकिंग रिस्क. तो टॉरस ये टाइम है कि आप कुछ सोशलाइज हों, कुछ रिस्क लें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो. तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको थोड़ा सा एडवेंचरस होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने जोन से बाहर आके आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. तो टॉरस ये थी आपकी वीकली एनर्जी. तो लेट्स चेक
जेमिनाइज के लिए क्या आया है हमारे पास? जेमिनाइज मेरे पास आपके लिए जो कार्ड आया है वो फाइव ऑफ कप्स का आया है और फोर ऑफ सोर्स का आया है। तो फाइव ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है वो आप उसे देख नहीं रहे हैं, या तो वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप उसकी खूबसूरती को नहीं देख रहे हैं, आप उसके अंदर की पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, आप बस उदास से हो रहे हैं और जो यूनिवर्स ने आपको दिया है वो नहीं देख रहे हैं आप। तो आपको ज़रूरत है कि आप उन खूबसूरत चीज़ों को देखें जो आपके पास है, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस को बढ़ाइए, थोड़ा गार्डन में जाइए, थोड़ा नेचर के साथ नेचर में जाइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपने आप को इंजॉय कीजिए ताकि आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आ सके। और फोर ऑफ सोर्स मुझे ये बता रहा है कि इस टाइम पे हीलिंग का पीरियड है, तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, थोड़ा सा कूल काम रहिए और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपनी प्रेयर्स को इंक्रीज़ कीजिए, हीलिंग का टाइम है, तो हीलिंग के टाइम पे जो जिनकी हीलिंग हो रही होती है, जेमिनाइज की इस पूरे साल हीलिंग है, तो इस वक्त में आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, थोड़ा सा आराम थोड़ा ज़्यादा कीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। हो सकता है किसी को हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और पूरा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और 222 नंबर मेरे पास आया था जेमिनाइज के लिए, अलाउ योर सेल्फ टू क्रिएट विद ब्यूटी एंड सेल्फ लव रेदर देन पोज। तो यही है, हीलिंग में जो है वो सेल्फ लव की ही बात की जाती है, तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो आइए देखते हैं कैंसर के लिए हमारे पास क्या आया है। वैसे तो मैंने सभी जोडिक साइन के लिए 2-2 टैरो कार्ड्स निकाले थे, बट यहाँ पर एक कार्ड जंप आउट कर गया तो मैंने उसे ले लिया था। तो लेट्स चेक। ये कैंसर के लिए हमारे पास कार्ड्स आए हैं। तो कैंसर के लिए मेरे पास सबसे पहले जो कार्ड आया वो आया है, ये आप देखते हैं, नाइट ऑफ सोर्स का। तो हो सकता है कैंसर, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ही जल्दी, बहुत ही सडनली आने वाली है और बहुत ही रफ्तार से वो आपके पास आने वाली है। कोई भी जॉब हो, कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, या कोई पर्सनल लाइफ में कोई ऑफ़र आपके पास आ सकता है, कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी देख रही हूँ, हो सकता है कोई मैरिज का प्रपोजल आपको सडनली मिलने वाला है। और मुझे यहाँ पर दो व्यक्ति भी वैसे नज़र आ रहे हैं, जो एक जो है वो सडनली आपके पास आएगा और जिसकी एनर्जी बहुत ही फास्ट होगी, और एक जो कोई व्यक्ति जो है वो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मेरे पास आया है। तो अगर हम इसको पर्सनल लाइफ में ले रहे हैं तो यहाँ पर दो व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करके आएगा, सोच समझ के आगे बढ़ेगा, और जो एक जो है वो बहुत ही फास्ट एनर्जी के साथ आने वाला है। तो डिसीज़न आपका होगा कि आप सोचिए समझिए कि आपको किस व्यक्ति के साथ आगे अपनी लाइफ को प्रोसीड करना है। बिकॉज़ यहाँ पर मेरे को फोर ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है, फोर ऑफ वॉन्ड्स सर्टेन फिल्म जर्नी को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि कैंसेरियन में कुछ लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हों। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए जो है आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, और हो सकता है कि ये बिजनेस के उससे भी हो सकता है, या हम जॉब की बात करें तो भी हो सकता है कि आपको दो प्रपोजल मिले, एक प्रपोजल आपको सडनली मिल जाए कोई किसी अननोन पर्सन से, और एक प्रपोजल आपको किसी नोन पर्सन से मिले और वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं उस चीज़ को, हो सकता है सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कैंसेरियन के लिए। और कैंसेरियन के लिए जो मेरे पास एंजल नंबर आया था वो 777 आया। तो दिस कन्फर्मेशन दैट यू हैव बीन हियरिंग एंड लिसनिंग टू डिवाइन गाइडेंस एंड टेकिंग स्टेप टू हील एंड इम्प्रूव योर लाइफ। तो देखिए, ये जो गाइडेंस एंजल नंबर से भी निकल के आई है मेरे पास,
तो ये जो मैंने बताया था आपको कि ये जो कार्ड होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए आप जो 777 वालों को वाले जो हैं वो एंजल जो कार्ड का जो मैंने मैसेज पढ़ा उसमें वो यही बता रहा है कि आप जो हैं वो डिवाइन गाइडेंस को मान रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स आपको लेने चाहिए वो आप ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक ये कार्ड पे जंप आउट कर गया था जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी आई, तो जो अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो जो जिस भी व्यक्ति के साथ हैं या जो भी उनको प्रपोजल मिल रहा है वो उनके सोलमेट होंगे। ये देखिए क्योंकि ये मेरे पास सोलमेट का कार्ड भी जंप आउट कर गया था एकदम से, तो मैंने इसको ले लिया था। तो कैंसेरियन ये थी आप लोगों की एनर्जीज एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही होगी सभी को। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, क्या क्वेश्चंस हैं आपके, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी पूरी। तो आइए हम देखते हैं कैंसेरियन के बाद लियो, लियो के लिए क्या कार्ड आया है। ओके, लियो के लिए मेरे पास कार्ड आया है द मून एंड क्वीन ऑफ सोर्स। तो ये दोनों जो कार्ड हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर आप जो हैं वो बहुत ही चिंतित से नज़र आ रहे हैं। द मून जो है वो थोड़ा सा सैड एनर्जी है, तो सबसे पहले आपको इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक वीकली एनर्जी है, तो आगे आने वाला टाइम हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा हो अगला आने वाला जो वीक है। तो आपको करना ये है कि आप जो है अपने आप को थोड़ा सा नेचर के हवाले कीजिए, थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए लाइफ को, थोड़ी सी अपनी प्रेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और चीज़ों को आगे प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए। द क्वीन ऑफ सोर्स हमें ये बता रहा है कि आप जो हैं अगर अपनी चीज़ों के लिए फाइट करते हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, सफलता आपको मिलेगी ज़रूर और यूनिवर्स जो है वो आपका साथ भी ज़रूर देंगे। तो बस आपको जो है थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। एंजल नंबर आप लोगों के लिए जो आया था वो आया है 333। योर हार्ट फेल्ट वर्ड्स एंड इंस्पायर्ड विजन कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस टू यू एंड दी सराउंड यू। तो जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो आप ही के अराउंड हैं, बस आपको थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हमारी रीडिंग थी लियो के लिए। आइए देखते हैं वर्गो। तो वर्गो के लिए मेरे पास जो कार्ड आया वो द हर्मिट और डेथ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो हर्मिट कार्ड जो होता है वो कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि हर्मिट कार्ड में हम अपनी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुद के अंदर अपने आप को एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसी चीज़ें चल रही थी और अब क्या चल रहा है, आगे क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें हम स्वयं से जिसको कहते हैं कि बात करना, अपने आप को जानना, वो ये कार्ड हमें बताता है। ये हीलिंग का कार्ड भी माना जाता है। तो वर्गो आप लोगों में से कुछ लोगों में से जो हैं हर्मिट के मोड पे हैं और हर्मिट जो है वो शांति चाहता है, तो अभी आपकी शायद थोड़ी हीलिंग चल रही है तो ये अच्छी बात है। हीलिंग के बाद जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है वो बदल जाएंगी। डेथ मीन्स जो पुराना है वो सब ख़त्म हो जाएगा और जो भी सिचुएशन होगी आप लोगों के लिए वो पॉजिटिव होगी, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो वर्गो मेरे पास आपके लिए आया था 888। Bring the message that your life purpose, goals and dreams are supported by the angels and the entire universe. तो आपके लाइफ पर्पस और गोल्स जो हैं वो सपोर्टेड बाय द एंजल्स, एंजल्स से सपोर्टेड है आपकी हीलिंग चल रही है क्योंकि, और यूनिवर्स से भी। तो बस आप अपनी हीलिंग कीजिए और पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़िए। तो वर्गो ये थी आपकी राशि। उसके बाद हम देखते हैं लीब्रा।
लीब्रा, मेरे पास आपके लिए द हेरोफेंट और द स्टार का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे पास आपके लिए एंजल नंबर 999 आया है। और लीब्रा जो हेरोफेंट जो है वो हमें ये बताता है कि यदि प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कुछ न्याय नहीं हो रहा है, आपके बॉस के साथ आपकी बन नहीं रही है, आपको ऐसा लग रहा था कि जितना मैं वर्क कर रहा हूँ वो वर्क के हिसाब से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, तो उसमें आपको न्याय मिलने की संभावना है। और यदि कोई लीगल मैटर चल रहा है किसी का लीब्रा में, तो वो भी उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद जो चीज़ें हैं, द स्टार कार्ड हमें ये बताता है कि चीज़ें जो है वो बदलने वाली हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो उसके बाद मेरे पास एंजल नंबर 999 आया था आप लोगों के लिए। दिस इज़ द एंड ऑफ लॉन्ग कार्मिक साइकिल एंड अ चैप्टर इन योर लाइफ, यू हैव लर्न योर लेसन एंड यू नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू मूव। देखिए कितना सुंदर इसमें मैसेज भी आ गया है कि आपके जो लॉन्ग कार्मिक साइकिल्स थे लीब्रा में, अगर कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे तो वो ओवर हो चुके हैं, आपने जो लाइफ के लेसन्स लेने थे वो आप ले चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। तो बस आगे बढ़िए पॉजिटिवनेस के साथ और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए, सुंदर बनाइए। तो मैं आपको मिलूँगी फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आगे की जो 6 राशियाँ हैं हमारे पास उनकी एनर्जीज आपको बताऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मुझे किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए जो आपको अच्छे लगें। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइल, स्टे फिट।